We have to get this stopped. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कौन? टाइगर। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए कहां रवाना हुए सलमान खान और कैटरीना कैफ? कौन है टाइगर 3 का मेन विलन? टाइगर 3 की कहानी कहां से शुरू होगी? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ कुछ टाइम पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर बाहर स्पॉट की गई और वो भी अपने को स्टार एक्टर सलमान खान के साथ। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए दिल्ली के लिए निकल चुके हैं कैटरीना कैफ और सलमान खान। फिल्म टाइगर 3 का अहम एक्शन सीक्वेंस दिल्ली में शूट करेंगे, जिसके लिए दोनों ने मुंबई से उड़ान भर ली है। सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 साल 2022 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसकी शूटिंग लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि टाइगर 3 में दिल्ली का सीन कुछ इस प्रकार होने वाला है कि दिल्ली पर आतंकवादी हमला होने वाला होता है और टाइगर बीच में आकर दिल्ली को बचाते हैं। यही सीन दिल्ली में फिल्माया जाएगा, जिसमें आपको टाइगर दिल्ली को बचाते हुए नजर आएंगे। और जल्द ही अदाकारा कैटरीना कैफ और सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में शुरू कर देंगे, जिसे यशराज बैनर बना रहा है। और वहीं सलमान खान आंखों पर काला चश्मा लगाए नजर आए। वो शूटिंग शुरू होने से पहले ही टाइगर के अवतार में दिखे। कैटरीना कैफ ने अपने पति विक्की कौशल के साथ बीते दिनों वैलेंटाइन डे मनाया। दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं। टाइगर 3 साल 2022 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी एक बार फिर से साथ नजर आएगी। टाइगर 3 इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। साल 2012 में रिलीज एक था टाइगर और 2017 में रिलीज टाइगर जिंदा है के बाद सलमान खान और कैटरीना एक बार फिर टाइगर और जोया के किरदार में नजर आएंगे। सलमान खान फिल्म में रॉ एजेंट अविनाश राठौर हैं, जिनका नेम टाइगर है, जबकि कैटरीना कैफ आईएसआई एजेंट जोया के रोल में हैं। दोनों पति पत्नी भी हैं। दिलचस्प बात है कि टाइगर 3 के डायरेक्टर मनीष शर्मा हैं। वो इससे पहले बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, शुद्ध देसी रोमांस और शाहरुख खान की फैन को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एक था टाइगर को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था, जबकि टाइगर जिंदा है को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था। टाइगर 3 अपनी दिलचस्प कास्टिंग के कारण भी चर्चा में है। फिल्म में इमरान हाशमी विलन के रोल में हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि इमरान हाशमी इससे पहले किसी फिल्म में ऐसे अवतार में नहीं नजर आए हैं। लॉकडाउन में पर्दे पर सलमान से टक्कर लेने के लिए इमरान हाशमी ने गजब की बॉडी बनाई है। यही नहीं, बताया जाता है कि फिल्म में इमरान हाशमी की एंट्री सीन के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। टाइगर फ्रेंचाइजी अपने एक्शन सीन्स के लिए भी पहचानी जाती है। बताया जाता है कि डायरेक्टर मनीष शर्मा ने इसी को ध्यान में रखते हुए टाइगर 3 में कई खतरनाक स्टंट सीन जोड़े हैं। इन सभी सीन्स की शूटिंग रूस और दूसरे देशों में होनी है। टाइगर 3 को लेकर एक और मजेदार बात सामने आई है। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि शाहरुख खान की पठान में सलमान और कैटरीना टाइगर और जोया बनकर कैमियो करेंगे, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जहां पठान की कहानी खत्म होगी, वहीं से टाइगर 3 की कहानी शुरू होगी। यानी पठान का क्लाइमैक्स सीन ही टाइगर 3 की शुरुआत होगी। टाइगर 3 की शूटिंग आगे टर्की और ऑस्ट्रिया में होनी है। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर मनीष शर्मा फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या दोस्तों, आप सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।